rather risky to invite a teacher to speak when he has been away from a captive audience for nearly 20, 25 years. But I can assure you that I will try to be as brief as possible. I joined in 51. Amin Saab had just come, I think a year or two back. I came here at the beginning of the 1964-65. पहली बार अमीन साहब के साथ मुलाकात हमारी हुई तो 1970 में जब मैं कॉलेज में शामिल हुआ. 1976-77, the academic year, is when I was taught by Amin Saab. He would make sure that his lectures were lively, that he brought the entire period of medieval Indian history to life. And on top of that, he would leaven his comments with irreverent remarks that made us particularly happy. My association with Amin Saab, our respected Amin Saab, started way back in 77 when I joined the college. 84 to 87 I studied here. Hamesha Amin Saab ki aankhon mein maine wo chamak dekhi jo apne bacche ko dekh kar aati hai. जो पहला एटीट्यूड मैंने दिया अमीन साहब को तो मुझे लोगों ने बहुत डराया था कि अमीन साहब की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, कोई गलती ना जाए और अच्छी अंग्रेज़ी पसंद करते हैं. तो मैंने 5-6 डिक्शनरीज देखकर अपना एटीट्यूड लिखा और बहुत ही घुमावदार सेंटेंसेस उसमें, एक सेंटेंस 150-200 लफ्ज़ों का. तो अमीन साहब ने घर बुलाया कि ज़रा घर आइए. ड्राॅइंग रूम में उसको पलटते रहे देख के. पिका भाई ऐसा है, लिखने का तरीका बताता हूँ आपको, ये शेर सुनिए. सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी रोते रोते टुक्स हो गया है, टुक्स हो गया है. इतनी सादगी होनी चाहिए ज़ुबान में. उसके बाद से ट्यूटोरियल क्या, बाद में जब जर्नलिस्ट बना तो हेडलाइन भी लिखनी पड़ी, तो ये शेर याद रखा कि अभी रोते रोते टुक्स हो गया है. He was a very lively and animated speaker. So he would speak, but at the same time he would sit there and jiggle his arms, and you know, sometimes when he roared with laughter, his entire body would shake. So I have memories of him sitting on this front table and regaling us with his stories. I remember his laugh. You know, when he was recounting these stories about, it might be the pomposity of some public individual or the slight self-importance of a student or an ex-student. You know. इस रूप से इतिहास पढ़ाते थे कि सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियाँ नहीं या बड़े बड़े मतलब जंगों की इतिहास नहीं, लेकिन इतिहास है समाज का, जिस तरीके से सामाजिक व्यवस्था बदल के उभर कर आ रही है. उनके किस्से और किस्से क्या साहब, वो किस्से तो कभी खत्म ही नहीं होते थे. He was a wonderful teacher of medieval Indian history. He was definitely always very warm and approachable. हम में से किसी ने पूछा कि सर रिक्रूटमेंट कैसे होता था, बादशाह को कैसे पता चलता था कौन अच्छा मनसबदार बन सकता है. तो अमीन साहब ने कहा बादशाह में खूबी होती थी इंसान को देखकर पहचान लेने की. इसको कहते हैं मर्दुम शनासी, फारसी का लफ्ज़ है मर्दुम शनासी. मुझे लगता है अमीन साहब में वो खूबी थी मर्दुम शनासी की, इंसान को देख कर पहचान लेने की. और इसीलिए हम में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि वो लास्ट मुग़ल हैं. शायद पिछले साल मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर वो मुग़ल प्रोटोकॉल क्या था,
हिस्ट्री तो पढ़ चुका, मुग़ल प्रोटोकॉल क्या था? तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने के आसिफ की मुग़ल आज़म देखी है? मैंने कहा हाँ सर देखी है। तो उन्होंने कहा वही प्रोटोकॉल था मुग़लों का। ये खूबी थी उनमें कि हर इंसान को उसकी समझ के मुताबिक अपनी बात को समझा देना। मेरे ख़्याल से लगभग 25 साल पहले की बात होगी, इसी कमरे में मैं बैठा था और अमीन साहब अटेंडेंस ले रहे थे। मेरे नाम से पहले शालिनी आलूवालिया का नाम था, फिर शाजी जमा का नाम आता था। तो शालिनी आलूवालिया का नाम आया और मैंने कहा यस सर। क्लास में ज़ोर का ठहाका गूंजा। मैं थोड़ा शर्मिंदा सा हुआ कि सर, तो मैंने खड़े होकर शिकायत की। मैंने कहा सर आई हैव टू कंप्लेन अबाउट द अकोस्टिक्स ऑफ दिस रूम, समथिंग रॉन्ग विद द अकोस्टिक्स ऑफ दिस रूम। तो अमीन साहब ने अपने चश्मे के पीछे से देखा, शाजी कैन द अकोस्टिक्स चेंज द सेक्स ऑफ ए पर्सन? अभी और आज भी वैसी आवाज़ गूंज रही है। I remember on one occasion in our college auditorium, there is a sign that says, Jesus said, I am the light of the world. And he said, if you translate that into Urdu, it becomes, Jesus ne kaha main noor jahan. Which may seem blasphemous to some, but it was showing the kind of irreverence, the ability to poke gentle, not hurtful fun at various traditions and sacred practices that marks the questioning mind of the historian. Even now I feel that I'm in his classroom. I don't think I attained his class. I attended his class. I don't think I attained his class. But I continue to attend his class. I continue to be in his class. आज भी उनकी बहुत सारी बातें वक्त के साथ और ज़्यादा समझ में आती जाती हैं. In that sense, he's a lifelong guide. Lifelong guide for all of us. When my father came to St. Stephen's College for the first time, he was only 21 years old. And at that time, he wrote to my mother, who was then just 17, that he had seen the college and he had loved the institution and he had decided that he was going to spend his entire life here. Aur aisa hi unhone kiya. Amin Saab was a very special person in the college. The aspect of him that I think sort of grew on me as I came to have a better understanding in a wider context of the position of St. Stephen's as a minority institution in India, and of his position as a Muslim in a Christian college, was a rather special one, and I think gave him particular authority because he seemed to me to understand the intention and purpose of minority institutions in the Indian education, the wider Indian educational context. What one might have expected from outside that, well, he was a Muslim, why should he fight for the interests of a Christian institution? But he did. I mean, he was very much part of this institution. He's never been just confined to one spot. चाहे वो हिंदू सेंट स्टीफन्स के क्रिकेट मैचेस रहे हो, बास्केटबॉल मैचेस रहे हो, ये टेबल टेनिस रहे हो, इंटर कॉलेज रहे हो, और तो और कि यहाँ से जब स्टेफेनियंस को पाकिस्तान जाना था, जब जिया साहब वहाँ थे, तो इट वाज ओनली अमीन साहब हु वेंट अलोंग, क्योंकि ही वाज द मेन कनेक्ट बिटवीन स्पोर्ट्स पर्सन्स। सेंट स्टीफन्स कॉलेज को बिना अमीन साहब के हमारी पीढ़ी को कल्पना करना असंभव है। कई लोगों की जिंदगियाँ बनाई, मतलब स्टीफन्स में कई लोग जो भटक रहे थे, जिसको क्या करियर होना चाहिए, क्या फ्यूचर होना चाहिए, उन सबको जो है उन्होंने एक कैरेक्टर दिया, और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है किसी टीचर के लिए। सेंट स्टीफन्स कॉलेज के कैंपस पर भाईजान का और मेरा बचपन गुजरा, हमने बहुत लंबा अरसा वहाँ पर बिताया और हमारी पूरी फैमिली के लिए वही एक छोटी सी दुनिया थी। When I first came here, you were living in a house just behind the house you subsequently lived in. At the front of St. Stephen's, on the north side of St. Stephen's. And there was a cute little girl who used to dance in the back courtyard of your father's house with her pigtails and playing gulli danda and that kind of thing. That was Ghazala, you know. Aksar hamari mother kehti rehti hai ki mere sirf do hi bacche nahi hain balki Stephen's ke jitni bhi students hain जो कि मेरे फादर के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, वो सभी उनकी औलादें हैं। After you moved into that house, at one time I can't remember exactly when it was, your mother
giving visitors tea and shami kebabs, very hospitable as you always were. But that young family in the center of the college was also very much part of the atmosphere of the college. हमारे वालिद के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तो ये बताते ही हैं वो कि कितने उम्दा उस्ताद थे लेकिन उसके अलावा वो हमारे बहुत ही अच्छे वालिद रहे जब उनकी शादी हुई थी तो क्योंकि मम्मी सबसे बड़ी थी अपनी फैमिली में तो हमारे फादर ने उस फैमिली में बड़े बेटे का मुकाम लिया और एक तरह से ही वॉज द पेट्रियार्क ऑफ द एंटायर एक्सटेंडेड फैमिली And I suppose in this success, the contribution of my mother was immense. Kyunki meri walida ne jo mere father ke khwahishe thi, jo unka maqsad tha, unko unhone apni zindagi ka bhi maqsad bana liya. Ek tarah se dekha jaye to mere walidain ki jo relationship thi, ek bahut hi nayab, bahut hi bemisal relationship thi, jisme bahut understanding thi. और मेरी माँ ने मेरे वालिद के काम में उन्हीं की तरह पूरा लुत्फ लिया अगर उन्होंने कॉलेज को अपनी फैमिली माना तो उसी तरह से मेरी मदर ने भी माना कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने उनकी 60th मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी बहुत बहुत मुबारक बहुत बहुत मैं इनको बड़ी अपनी रिस्पेक्टफुल रिगार्ड्स पे करते हैं और वो लम्हे जो इनके साथ बीते वो हमेशा 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 के लिए याद रहेंगे इस जीवन में भी और शायद अगले जीवन में भी अमीन साहब जैसा कोई हुआ नहीं है और हम सबकी शुभकामनाएं हैं बेगम साहिबा के लिए जिन्होंने हमें बहुत सारे बढ़िया से बढ़िया पकवान खिलाए हैं वो भूलते नहीं हैं और गजाला और शाहिद हम सबके लिए भाई बहन भी है बच्चे हम लोग अक्सर ये देखते थे कि बहुत से एनेक्डोट्स और कहानियाँ जो मेरे फादर सुनाते थे उन्होंने ना जाने कितनी बार सुनाई होगी मेरी मदर को भी लेकिन एवरी टाइम She would listen to them with the same amount of concentration, love, and affection. Shahid mere dost rahe hain 70s se, phir Ghazala hamari dost rahi hain, phir baad mein Bano aayi, Adil aaye, Ayesha aayi. Jab jab bhi mulaqat hui Shahid ke ghar pe ya kahin aur, hamesha Amin saab ki aankhon mein maine wo chamak dekhi jo apne bacche ko dekh kar aati hai. Ammi abhi tak sir pe haath rakh ke aashirwad deti hain. Main kabhi unka student nahi raha. लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लोग बिजनेस एम्पायर्स बनाते हैं बड़े बड़े एम्पायर बनाने वाले भी रहे हैं अमीन साहब उन लोगों में से थे जिन्होंने लोगों के जहन बनाए लोगों का कैरेक्टर बनाया और उनके बनाए हुए बच्चे आज पूरे मुल्क में मुल्क से बाहर बेहतरीन काम कर रहे हैं दिस इवनिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल विल इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ कन्फर पद्म अवार्ड्स टू अ डिस्टिंग्विश्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन द अशोका हॉल द पद्म अवार्ड्स are the country's highest civilian awards. And today, in all 64 distinguished persons will receive the Padma Vibhushan, the Padma Bhushan, and the Padma Shri from the President this evening. Professor Mohammed Amin, Shiksha.
You have organized this function to congratulate me, to felicitate me on the award that has been given to me. I, in return, actually congratulate all of you for this award, because really the award, in a way, is due to you. These achievements, these are the harvest, these are the treasures, these are the achievements. And now, somehow that is what has happened is that their achievements have been credited to my account. Great thing about Amin Saab was that he never make a distinction between a good student or a bad student. Amin Saab can easily be called an ustad, a maestro. मैं खासकर शुक्रिया अदा करता हूं अमीन साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे दरमियान रहे, आपने हमें बहुत सी राह दी। अमीन साहब हमारे लिए गए नहीं हैं, अमीन साहब हैं, वही हैं। अमीन साहब, हैट्स ऑफ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रियली टीचिंग अस। He remained a friend, a sharp of mind and friendly of spirit till his last days. I miss him. With the new policies of education taking shape and form, that will be very good, all right, to have technological education, excellent people and academics and what you have. But during the process, let us not lose more important thing, the kind of a relationship between the teacher and the students. And this relationship was something which was a lifelong relationship. It was not a relationship for 3 years or 5 years. हम लोगों ने कॉलेज छोड़ने के बाद ज़िंदगी में जो भी किया उस पर अमीन साहब की छाप रही।